रशिया की तरफ से अभी इंडियन एयरफोर्स की सुखोई के लिए एक नई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को ऑफर किया जा रहा है, जो कि सुखोई को वर्चुअल स्टेल्थ प्रोवाइड करने वाले हैं। महिंद्रा डिफेंस की तरफ से अभी इंडियन नेवी के लिए नेक्स्ट जनरेशन इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सूट को प्रोवाइड किया जाने वाला है। हाल ही में रशिया के साथ जो AK सीरीज के राइफल के लिए डील को फाइनल किया गया था, वो AK-200 सीरीज के राइफल होने वाले थे या फिर AK-103 सीरीज के राइफल होने वाले हैं। प्रोजेक्ट 75I के अंदर बनने वाले सबमरीन भारत के द्वारा इंपोर्ट किए गए आखिरी कन्वेंशनल सबमरीन होने वाले हैं। और अंत में के तालिबान अभी सच में पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश करने वाला है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की SU-30 MKI फाइटर जेट को लेके, और SU-30 MKI को लेके अभी दो अपडेट है जिनको हम एक ही हेडलाइन के अंदर कवर करने वाले। सबसे पहले आपको पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी रशिया से 12 एडिशनल सुखोई को खरीदने की कोशिश किया जा रहा था, जिनको क्रैश की वजह से खराब हो गए सुखोई को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और दो SU-30 MKI को अभी HAL की तरफ से ऑपरेट करने का फैसला किया गया है और इनको मेनली फ्लाइंग टेस्ट बेड के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। और आगे चल के इंडियन एयरफोर्स के सुखोई को जो सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का प्लान किया गया है, उन सभी में इंस्टॉल होने वाली सभी टेक्नोलॉजी और सब सिस्टम को सबसे पहले इनमें इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जाएगा, या फिर आगे चल के जो भी मिसाइल की टेस्टिंग होने वाली है उन सभी को भी HAL की तरफ से अपने सुखोई में टेस्ट करने का प्लान किया गया है। हालांकि अभी किसी भी टेस्ट को करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से HAL की मदद किया जाता है, जो कि आगे चल के जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और आगे चल के किसी भी डेवलपमेंटल ट्रायल को करने के लिए HAL अपने पर्सनल सुखोई का इस्तेमाल कर सकता है। अभी HAL की तरफ से जो सुपर सुखोई को अपग्रेड करने का प्लान किया गया है, उसके अंदर सुखोई की पुरानी कॉकपिट लेआउट में कुछ बदलाव किया जाएगा और इसके अंदर मल्टी फंक्शनल टच स्क्रीन बेस्ड डुअल या सिंगल पैनल का इस्तेमाल किया जाएगा। पहले दो स्क्रीन का प्लान किया गया था, लेकिन अभी इसमें मे भी कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, लेकिन ये बात अभी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हुआ है। इसके अलावा इसमें DR-118 रडार वार्निंग रिसीवर, अपग्रेडेड नेविगेशन इक्विपमेंट सिस्टम, एक नई सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर, उत्तम ASR रडार और एक नई इम्प्रूव IRST सिस्टम भी इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा। अभी ये जो 12 SU-30 MKI के लिए भारत और रशिया के बीच बातचीत चल रहा है, इनके प्राइस को लेके थोड़ा नेगोशिएशन करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी सुखोई की जो कॉस्ट है वो थोड़े ज्यादा हो चुके हैं, तो रशिया यहाँ पे इनको प्रीवियस प्राइस के साथ हमको सप्लाई करने के लिए राजी नहीं हो रहा है। अब इसके अलावा रशिया की तरफ से भारत को अपनी SU-30 SM MK II अपग्रेड किट को भी ऑफर कर रहा है, जिसके अंदर इंजन अपग्रेड भी शामिल है, और वो अभी SU-35 में इस्तेमाल हो रहे AL-41 सीरीज के इंजन को इंडियन एयरफोर्स की सुखोई के लिए ऑफर कर रहे हैं। साथ ही इसके अंदर रशिया की तरफ से भारत को अपनी नई खिवनी यू इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को भी ऑफर किया जा रहा है, जो कि स्मॉल ग्रुप के फाइटर्स को दुश्मन के रडार से सेफ रख सकता है और एक तरीके से उनको वर्चुअल स्टेल्थ प्रोवाइड करने वाला है, यानी कि एक पर्टिकुलर दायरे के अंदर मौजूद किसी भी एयरक्राफ्ट को ये दुश्मन के रडार्स में आने से बचा सकता है। और इसके अंदर पैरेंट एयरक्राफ्ट के अलावा कुछ और भी एयरक्राफ्ट शामिल हो सकते हैं। इसको रशिया अपनी एग्जिस्टिंग SAP-518 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की रिप्लेसमेंट के तौर पर तो ऑफर नहीं कर रहा है, लेकिन ये उसके साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर एक पैक में 4 सुखोई उड़ान भर रहे हैं, तो उनमें से अगर एक भी सुखोई में नई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम मौजूद रहेगा, तो वो चारों के चारों सुखोई को प्रोटेक्ट कर सकता है। साथ ही इसको एयरक्राफ्ट की बेली सेक्शन में माउंट किया जाता है, जबकि जो SAP-518 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है उसको सुखोई की विंग टिप पर माउंट किया जाता है, जिस वजह से इसे वहां पर दो हार्ड पॉइंट को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, जिसमें हम आसानी से दो मिसाइल को कैरी कर सकते हैं, और इसे बाकी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के साथ भी कंबाइन करके इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अभी इंडियन एयरफोर्स को ये डिसाइड करना है कि वो सुखोई को किस तरीके से अपग्रेड करना चाहते हैं, यानी कि अगर हम प्योरली इंडियन सिस्टम के साथ इनको अपग्रेड करने की कोशिश कर तभी हम इनको अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन इंजन के अलावा बाकी सभी अपग्रेड यहाँ पे किया जा सकेगा। लेकिन अगर रशियन अपग्रेड पैक को भी इंक्लूड किया जाता है, तो इंडियन सिस्टम के साथ मिलाकर हम इनको भी यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिसमें हमको एक नई इंजन के साथ एक नई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी मिल सकता है। अब फिलहाल इंडियन एयरफोर्स में जो सुखोई है उनमें 8222 जैमर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफी बेहतरीन जैमर है, लेकिन रशिया की तरफ से अभी जिस नई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को ऑफर किया जा रहा है, ये एक तरीके से इंडियन एयरफोर्स की सुखोई को वर्चुअल स्टेल्थ को प्रोवाइड कर सकता है, जो कि सुखोई जैसे एयरक्राफ्ट के लिए काफी जरूरी होने वाला है।
अगला अपडेट महिंद्रा डिफेंस को लेके है। पीटीआई की तरफ से रिलीज किए गए ऑफिशियल प्रेस रिलीज के मुताबिक महिंद्रा डिफेंस की तरफ से अभी इंडियन नेवी के लिए इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन वॉरफेयर डिफेंसिव सूट को बनाने की कॉन्ट्रैक्ट को हासिल किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 1350 करोड़ के आसपास की है और इसमें इंडियन नेवी की अपकमिंग वॉरशिप्स के लिए लगभग 14 इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन वॉरफेयर डिफेंसिव सूट को बनाया जाने वाला है। इसके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक ऑफिशियल टेंडर को पहले फ्लोट किया गया था, जिसमें महिंद्रा डिफेंस को अभी सिलेक्ट किया गया है। महिंद्रा डिफेंस की तरफ से इसके बारे में बताया गया कि एक हाईटेक अंडर वाटर थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम और काउंटर मेजर सिस्टम है, जो कि हमारे वॉरशिप्स को दुश्मन की सबमरीन से या टॉर्पेडो अटैक से बचा सकता है और ये सिर्फ किसी स्पेसिफिक वॉरशिप के लिए नहीं बल्कि इनको इंडियन नेवी की किसी भी वॉरशिप में हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, चाहे वो हमारा कोई फ्रंटलाइन डिस्ट्रॉयर हो सकता है या फिर फ्रिगेट हो सकता है या फिर हमारा कोई भी कॉर्वेट शिप हो सकता है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। पिछले हफ्ते का अपडेट सामने आया था, जिसमें ये बताया गया था कि भारत की तरफ से भी रशिया के साथ 70,000 के आसपास AK-200 सीरीज के राइफल को खरीदने के लिए एक डील को फाइनल किया गया था और ये एक सेपरेट डील था जिसको फर्स्ट टैग मोड में प्लेस किया गया है और इसके अंदर अभी भारत की तरफ से AK-200 सीरीज के राइफल को खरीदने का प्लान किया गया है। लेकिन आज इसको लेके एक और अपडेट ANI की तरफ से दिया गया, जिसमें ये बताया गया कि पिछले हफ्ते जो 70,000 के आसपास AK सीरीज के राइफल के लिए डील को फाइनल किया गया था वो AK-203 सीरीज के राइफल के लिए नहीं बल्कि AK-103 राइफल के लिए साइन किया गया था और इनको इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है और मेनली हमारे फ्रंटलाइन एयरबेसेस में जिन जवानों को डिप्लॉय किया गया है उन सभी को अभी AK-103 राइफल से इक्विप कर दिया जाएगा और उनकी इंसास राइफल को इस राइफल से रिप्लेस कर दिया जाएगा। अभी अगर AK-103 राइफल की बात करें तो ये AK-47 का एक अपग्रेडेड वर्जन है और इसको अभी लिमिटेड नंबर में भारत की कुछ स्पेशल फोर्सेज की तरफ से इस्तेमाल किया था और मेनली इनको मार्कस कमांडोज के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और अभी इंडियन एयरफोर्स की स्पेशल फोर्सेस को भी 6716 राइफल से इक्विप करने का प्लान किया गया है और करीब 4,000 के आसपास सिख राइफल को इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर करने का प्लान किया गया है। अब अभी जो AK-103 राइफल के लिए डील को साइन किया गया था इसकी कीमत लगभग 300 करोड़ के आसपास की होने की बात सामने आई है और इनकी डिलीवरी इसी साल के नवम्बर से शुरू होने वाला है। इनको सभी एयरबेसेस से मौजूद इंडियन एयरफोर्स के जवानों को इशू करने के साथ साथ अभी इनको इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो यूनिट भी इस्तेमाल करने वाली है और इसका भारत और रशिया के बीच चल रही AK-203 डील के साथ कोई भी डायरेक्ट लेना देना नहीं होने वाला है। लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन को क्रिएट कर रहा है कि जो डील अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से फाइनल किया गया था ये AK-200 सीरीज के राइफल के लिए था या फिर AK-103 राइफल के लिए था और इसी वजह से मैंने एक मेल भी किया और मुझे उम्मीद है कि एक दो दिनों में हमको इसका जवाब भी मिलने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। आप सबको कल ही मैंने बता दिया था कि आज हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए बनाए गए 7th ऑफशोर पेट्रोल वेसल ICGS विग्रह को इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया जाएगा। इस अवसर पर राजनाथ सिंह जी की तरफ से बताया गया कि भारत के पास अभी एक ग्लोबल शिप बिल्डिंग हब बनने का बहुत ही अच्छा मौका है और अभी धीरे धीरे हमारी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है और लगभग इंडियन नेवी की सभी मेजर वेसल को अभी इंडिजिनस तरीके से बनाना शुरू किया जा चुका है। दूसरी तरफ अगर हमारी अंडरवाटर फ्लीट की बात करें तो अभी सबमरीन बिल्डिंग में हम थोड़े पीछे चल रहे हैं, क्योंकि भले ही हम अभी तक 2 न्यूक्लियर पर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को बना चुके हैं लेकिन अभी तक हमें कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को अपने दम पर पूरी तरीके से नहीं बना सकते। पर हमारे नेवी चीफ एडमिरल करमवीर सिंह जी की तरफ से बताया गया कि इस मामले में अभी भारत ज्यादा दिन तक पीछे नहीं रहने वाला है और अभी प्रोजेक्ट 75Y के अंदर जो सबमरीन खरीदे जाने वाले हैं वो भारत के द्वारा इम्पोर्ट किए गए आखिरी कन्वेंशनल सबमरीन होने वाले हैं। उनके मुताबिक अभी हमें कन्वेंशनल सबमरीन्स को बनाने के लिए कुछ और टेक्नोलॉजी को मास्टर करना काफी जरूरी है और इनको प्रोजेक्ट 75Y के अंदर बनने वाले सबमरीन को बनाते बनाते हम सीख जाएंगे, जिसके बाद आगे चल के प्रोजेक्ट 76 के अंदर बनने वाले सबमरीन को हम आसानी से इंडिजिनस तरीके से बना सकते हैं। रिसेंटली आपने सुना होगा नेवी की तरफ से 6-5 मेगावाट क्लास की प्रोपल्शन सिस्टम को भी डेवलप करने के लिए RFI को इशू किया गया था, जिसको IDDM कैटेगरी के अंदर एक्वायर करने का प्लान किया गया था और इनको हम हमारी एग्जिस्टिंग सबमरीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आगे चल के बनाए जाने वाले सबमरीन में भी हम इन सभी को मेन प्रोपल्शन सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आराम से 3000 टन से लेके 4000 टन तक की क्लास के सबमरीन को पावर कर सकते हैं। तो फ्यूचर में बनाए जाने वाले किसी भी कन्वेंशनल सबमरीन के लिए एक सुइटेबल प्रोपल्शन सिस्टम होने वाला है। अगला अपडेट तालिबान को लेके। अब सबको पता होगा कि तालिबान की तरफ से भी अफगानिस्तान को पूरी तरीके से कब्जा कर लिया गया
और शुरू से ही भारत के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की तरफ से और अफगानिस्तान की अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से ये बताया जा रहा था कि तालिबान दरअसल पाकिस्तानी बेस्ड सुअर प्रोडक्शन फैक्ट्री के साथ मिलकर काम कर रहा और अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद पाकिस्तान के लोग कश्मीर में कब्जा करने के लिए मदद करने वाले। हालांकि तालिबान की तरफ से इस पर कई बार स्टेटमेंट इशू किया जा चुका है और इसको लेके वो इनकार करते आ रहे, लेकिन अभी न्यूज 18 की तरफ से दिए गए रिपोर्ट के मुताबिक झंडे मोहम्मद सुअर प्रोडक्शन फैक्ट्री के लीडर मसूर सुअर और तालिबान के लीडर्स के बीच एक मीटिंग को अरेंज किया गया था। अब मसूर सुअर के साथ तो तालिबान का पहले से लिंक है क्योंकि जो प्लेन हाईजैक किया गया था उसमें तालिबान की तरफ से इनको मदद की गई थी और अभी अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए भी मसूर सुअर की तरफ से तालिबान को मदद किया गया था और अपने छोटे छोटे सुअरों को वहां पे लड़ाई लड़ने के लिए अफगानिस्तान में भेजा गया था। इसके अलावा अभी पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी के एक लीडर नीलम इरशाद की तरफ से लाइव टीवी पर ओपनली बताया गया था कि अभी तालिबान उनको कश्मीर पर कब्जा करने में मदद करने वाले हैं। अब ऐसे स्टेटमेंट सुनने के बाद तो ऐसा ही लग रहा है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान को अभी तालिबान आगे चल के कश्मीर में डिस्टर्बेंस को करने में मदद करने वाले हैं या फिर जो सुअर प्रोडक्शन फैक्ट्री है उनको मदद कर सकते हैं और उनकी जितने भी सुअर प्रोडक्शन यूनिट है उन सभी को पीओके रीजन से अफगानिस्तान की तरफ शिफ्ट किया जा सकता है जहां पर सुअरों की खेतीबाड़ी करने में उनको काफी आसानी होने वाली है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।